रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम में एक सिरफिरे आशिक की हरकत देखने को मिली है। सिरफिरे आशिक ने एक लड़की के घर में आग लगवा दी, लड़की को भी जान से मारने की धमकी दी गई। फर्रुख नगर इलाके की यह घटना है, केस दर्ज कर लिया गया है। सिरफिरे आशिक का कारनामा यहां पर देखने को मिला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्रुख नगर इलाके की घटना है, केस दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम का यह मामला जहां पर सिरफिरे आशिक का कारनामा देखने को मिला, एक लड़की के घर में आग लगा दी गई और लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी गई। फरुख नगर इलाके की यह घटना है, केस दर्ज कर लिया गया है, आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है पुलिस की तरफ से। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक सिरफिरे आशिक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तेल छिड़का लड़की के घर के बाहर और वहां पर आग लगाई गई और लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी गई। सिरफिरे आशिक का एक कारनामा आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया, देखिए आप किस तरह से यहां पर ये आरोपी पहुंचता है और सिरफिरा आशिक बताया जा रहा है, तेल छिड़क करके आग लगाने की कोशिश यहां पर की गई, एक लड़की के घर में आग लगाने की कोशिश सिरफिरा आशिक करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिरफिरे आशिक का एक कारनामा आप देख पा रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, लड़की को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। सिरफिरा आशिक है, एक तरफा प्यार का यह मामला बताया जा रहा है जिस तरीके से यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? संजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? जी बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के फरुखनगर इलाके की ये पूरी वारदात है जहां एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के घर के बाहर जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गए। आपको बता दूं कि इसमें दो लोगों को जो है सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बोतल में वो पेट्रोल भर के लेके आए थे और उसके बाद एक के बाद एक गेट और जो खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं उसके ऊपर वो तेल छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जब उन्होंने वहां पर जो है माचिस की तीली लगाई थी, बड़ा जो ब्लास्ट है वो भी हुआ, जिसके चलते जो आरोपी है वो भी कहीं ना कहीं झुलसते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अब गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दे दी गई और गुरुग्राम पुलिस अब शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। हालांकि ये पूरा मामला बीती 20 तारीख का बताया जा रहा है, जो कि अब जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल ये वीडियो हो रही है। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय।